एशिया यूरोप समेत उत्तरी अमेरिका भीषण गर्मी की मार झेल रहा है और चिलचिलाती गर्मी ने लोगों का जीना दुबर कर दिया है। ग्रीस और कैनरी द्वीप के जंगलों में आग भड़क रही है। चीन में गर्मी चरम पर है, थर्मामीटर 80 डिग्री सेल्सियस का तापमान दिखा रहा है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग में 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का तापमान दर्ज हुआ है, जो पिछले 27 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ तापमान है। कैलिफोर्निया से लेकर चीन तक अत्यधिक गर्मी को लेकर हेल्थ अलर्ट जारी किया जा रहा है। ग्रीस एथेंस के पास जंगल की आग से जूझ रहा है। स्पेन गर्मियों की तीसरी हीट वेव का सामना कर रहा है। कैनरी द्वीप की आग में 3500 हेक्टेयर यानी 8650 एकड़ जंगल भस्म हो गया है, जिससे वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त लाखों अमेरिकी खतरनाक गर्मी का सामना कर रहे हैं, जो पर्यावरण के साथ साथ लोगों की हेल्थ के लिए भी बेहद खतरनाक और हानिकारक है। साइंटिस्ट के अनुसार ये गर्मी न केवल शरीर को प्रभावित करती है बल्कि मस्तिष्क को भी प्रभावित करती है। विज्ञान के अनुसार जब शरीर खुद को ठंडा करने की कोशिश करता है तब गर्मी का तनाव होता है, इससे कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती है। ये हमारे संज्ञानात्मक कार्य को प्रभावित कर सकता है और बेहोशी की वजह भी बन सकता है। मस्तिष्क शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है और पसीने के जरिए गर्मी से राहत देता है। दिमाग के साथ ही भीषण गर्मी इंसानी शरीर पर भी बुरा प्रभाव डालती है, जैसे सनबर्न और त्वचा कैंसर का खतरा। ऑब्जर्वर की एक रिपोर्ट के अनुसार सूरज की यूवी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से सनबर्न हो सकता है और स्किन सेल डीएनए को नुकसान पहुंच सकता है। बार बार सनबर्न से त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि डीएनए क्षति के कारण कोशिकाएं नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। फेफड़ों और अस्थमा का खतरा। गर्म मौसम हवा की गुणवत्ता को खराब करता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हानिकारक गैसें फेफड़ों के कार्य को कम कर सकती है और अस्थमा को बढ़ा सकती है। थकान और हाइपरथर्मिया। जब शरीर गर्मी को सहन नहीं कर पाता है तो हाइपरथर्मिया होता है, इससे थकावट और हीट स्ट्रोक होता है। जैसे जैसे शरीर का तापमान बढ़ता है, चक्कर आना, मतली और प्यास जैसे लक्षणों के साथ थकान शुरू हो जाती है। हीट स्ट्रोक शुष्क त्वचा और मानसिक शिथिलता का कारण भी बन सकता है। भीषण गर्मी का दिल पर प्रभाव भी खतरनाक है। गर्म तापमान रक्त वाहिकाओं को पतला करने, रक्तचाप को कम करने और संभावित रूप से चक्कर आना और बीमारी का कारण बनता है। रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक तापमान बढ़ने से हृदय प्रणाली पर प्रभाव के कारण मृत्यु का खतरा बढ़ सकता है।